थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एल एस वाला इंडिया। तो गाइज, जिन बच्चों का एग्जाम 30 अप्रैल एंड 7 अप्रैल को होने वाला है, तो बहुत गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। तो देख सकते हैं कि हम जो भी प्रेडिक्ट करते हैं बाय ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं सभी स्टूडेंट्स। जैसे कि इसने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था 10 डेज पहले, ये मेरे साथ जुड़ा था और 6.5 बैंड स्कोर, 7 स्कोर विद हमारी गाइडलाइंस। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड टाइम थर्ड टाइम एग्ज़ाम दिया है, बट ये कह रहे, इनसे जब मैंने बात की कॉलिंग के ऊपर, कह रहे थे कि सर हमने घर पे बैठ के प्रेपरेशन की है, आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर आपसे कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे बात कर। तो ये टास्क वन का फॉर्मेट है गाइज, आप देख सकते हो, टास्क वन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस वे में ये टेम्पलेट है टास्क वन का, जो आप यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। प्लस अभी राइट नाउ सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, इनक्रीज डिक्रीज फ्लक्चुएट लार्ज चेंज स्मॉल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐड करने में। और ऊपर देख सकते हो बिटवीन इन देयर, तो आप कैसे लिख सकते हो। दोनों चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं, टास्क वन का टेम्पलेट भी, प्लस मैंने आपको सिनोनिम वर्ड्स भी, कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आपके आईएलएस एग्जाम में। 9 अप्रैल आईएलएस का रिजल्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो भी है बिल्कुल विद प्रूफ मैंने अपलोड किया है आपके साथ, बिकॉज आपके प्रूफ के साथ ही अगर चलेंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट हमारे साथ बनेगा। अगर आप भी चाहते हो कि मैं घर पे बैठा जहाँ इंस्टीट्यूट्स में बैठा अपना आईएलएस एग्ज़ाम क्लियर करूं, तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपना अच्छा स्कोर लेना, जैसे 6.5 7 बैंड स्कोर तक आपके आ सकते हैं, बट हम सिर्फ आपको मटेरियल देंगे, मेहनत आपने करनी है, हार्डवर्क आपने करना है। जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना स्कोर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये एक गैस वर्क है जो मोस्ट ऑफ टाइम ट्रू होता है, और ज़्यादातर इस बार जो आने के चांस है वो बार पाई और प्रोसेस आने के ज़्यादा चांस हैं। तो आप इनको देख सकते हो, प्रेपरेशन कर सकते हो, और जैसे भी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है एक दिन पहले आपको मिल जाएगी। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल।